press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरा सवाल कार्तिक से है. कार्तिक जी, मैम जी, तुम्हारा चेहरा बहुत मासूमियत भरा है लेकिन रोल तुमको सारे नॉटी नॉटी वाले मिलते हैं. नॉटी नॉटी बॉय. तो इस मासूमियत के साथ ये जो नॉटीनेस है उसको कैसे ब्लेंड करते हो? मतलब मैम वो रोल मेरे को नॉटी मिलता है, शक्ल मासूम है तो ब्लेंड अपने आप हो जाता है. तो कुछ मैम अंदर से नॉटी है ना लेकिन तो आसानी से कर लेते. मैं बोलना नहीं चाह रहा था वो बाहर. हाँ मुदस्सर सर लेकर आए हैं स्क्रीन पे सर. बट मैम बट मतलब वो एक्चुअली में अगर वो किरदार कुछ कर रहा है तो वो आप जैसे फिल्म भी जब देखेंगे तो हमेशा वो कुछ सही ही कर रहा होता है. वो गलत मतलब ऐसा नज़र ऐसा आता है कि वो गलत कर रहा है. चाहे इससे पहले की भी फिल्में मैं बात करूँ, चाहे लुक्का छुपी हो, चाहे सोनू के टिटू की स्वीटी हो, वो अपना इंटेंशन, उसका करेक्ट इंटेंशन हमेशा से रहा है उस कैरेक्टर का. अब वो थोड़ी सी नॉटीनेस हमें हमेशा पसंद आती है जो ट्रैक पे वो जानते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए. तो वो एक चीज़ है जो हमेशा कई बार आपके किरदारों में होती है एंड वो कभी कभी उसमें मज़ा भी आता है, फनी भी लगता है. तो पति पत्नी और वो में भी ऐसे ही है. मुदस्सर जी ये सवाल किसी ने आपसे पूछा नहीं, इसके अलावा भी पति पत्नी और वो के अलावा भी बीच में एक फिल्म आई थी रंग बिरंगी जिसमें जो वाइफ का किरदार परवीन बॉबी ने निभाया था वो काफी प्रोग्रेसिव था. जैसे आपकी आपकी जो पत्नी है उसने काफी बोल्ड बिल्कुल जो ट्रेलर में कहा कि सेक्स पसंद है तो वो भी काफी बिल्कुल बिल्कुल. तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में आपकी जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने डिफरेंट? मतलब मैं आपको I don't have enough words to compliment you. आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि देखिए रंग बिरंगी क्योंकि आपने देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म का लास्ट डायलॉग जो है वो है उत्पल दत्त घंटी बजा करके कहते हैं बी आर चोपड़ा को पकड़ के लाओ. दैट्स द लास्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म. रंग बिरंगी वॉज ऋषिदास वे ऑफ कमेंटिंग ऑन द आइडिया ऑफ पति पत्नी और वो. सी दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैम. ये अच्छा पति पत्नी और वो में वो का जेंडर भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता ना इस बात की कोई जो है बंदिश होती है कि वो कोई शख्स हो. वो एक गैप हो सकता है, वो एक नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं. तो फिल्म मेकर्स को हमेशा ये टॉपिक जो है अट्रैक्ट करता आया है. तो जब जूनो मेरे पास आए थे और जाहिर है कि मतलब उन्होंने भी इसके ऊपर खूब विचार किया होगा जब मेरे पास आए थे, जब उन्होंने अपने ही नेगेटिव्स में से इस फिल्म को चुना कि यार पति पत्नी और वो को रिक्रिएट करते हैं, लेट्स सी व्हाट योर टेक इज ऑन दिस. और आप यकीन कीजिए मैं रंग बिरंगी का उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना पति पत्नी और वो का हूँ. तो आप जब ये फिल्म देखिएगा तो आपको दोनों अंश जो हैं इसमें मिलते रहेंगे इस फिल्म में. आई हैव टेकन द कॉमिक पिंच ऑन द आइडिया ऑफ एडल्ट्री एज मच एज आई हैव you know tried to invoke the issue of adultery. Thank you so much.